बात पूरी करिएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज से ऐश्वर्या प्रधान की अहम रिपोर्ट है, जहां सीपी जोशी इस्तीफा पेशकश प्रकरण में सूत्रों के अनुसार तीसरी बार इस्तीफे की पेशकश सीपी जोशी ने की है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार पेशकश की थी और फिर लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद उन्होंने ये पेशकश की थी और अब तीसरी बार नड्डा के सामने इस्तीफे की पेशकश की। 23 जुलाई को बदला जाना था प्रदेशाध्यक्ष को, लेकिन बजट आने के कारण नहीं बदला गया प्रदेशाध्यक्ष। और जब सीपी जोशी ने आलाकमान से मुलाकात की थी, तब कहा था मैं लोकसभा चुनाव में रहूंगा व्यस्त, ऐसे में आप अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए। आलाकमान के सामने दलील रखी गई, कुछ अन्य नेताओं द्वारा भी, एक ही जाति के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रहना संभव नहीं है और ऐसे में अब आज या कल में मदन राठौर, राजेंद्र गहलोत, प्रभुलाल सैनी या अलका गुर्जर में से किसी एक के नाम की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अमित शाह के बीच भी बातचीत हुई है और कल सीएम के दिल्ली दौरे के दौरान इस मुद्दे को लेकर बातचीत कल हो गई है, यानी कल भी इसे लेकर बातचीत हुई थी और वजह यही बताई जा रही है। बेहद अहम सीपी जोशी इस्तीफा पेशकश प्रकरण को लेकर। और चलिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम रिपोर्ट है ये, जिस तरह से आपके द्वारा ही हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या ये जो चार नाम जिनका जिक्र किया गया है, क्या वाकई में इन्हीं नामों में से कोई अगला बीजेपी राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है? देखिए श्वेता, मैं शुरू से बता दूं कि जिस वक्त विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे, उस वक्त सभी को प्रतीक्षा थी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई तरीके के चेहरों पर विचार हुआ, लेकिन बतौर ब्राह्मण भजनलाल शर्मा को मौका दिया गया। जब भजनलाल शर्मा को मौका दिया गया तो सीपी जोशी इस बात को अच्छे से जानते थे कि मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूं और मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण समाज से, तो उन्होंने आलाकमान से आग्रह किया। उनके उस आग्रह को उस वक्त आलाकमान ने ठुकरा दिया। उसके बाद दोबारा मौका आया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो यहाँ पर बैठकों पर बैठकें ले रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि 25 की 25 सीटें जीती जानी है, तो ऐसे में क्यों ना किसी जिम्मेदार नेता को जिम्मेदारी मिल जाए, तो इसके लिए उन्होंने वापस से आला कमान से आग्रह किया। जेपी नड्डा से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने जब बातचीत की तो इसका निराकरण यह निकला कि वापस से होल्ड पर रख दिया गया। वापस से होल्ड पर रखे जाने के बाद वापस से हाल ही में अमित शाह से सीपी जोशी ने मुलाकात करके साफ तौर पर कहा इस्तीफे के लिए, क्योंकि राजनीति में संतुलन बेहद आवश्यक होता है। किसी एक जाति को लेकर संतुलन, अलग अलग जातियों को लेकर संतुलन बिठाया जाता है, तो ऐसे में यहां पर संतुलन बिठाया जाना था। क्योंकि ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री है और ब्राह्मण ही प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा संभव नहीं था। सीपी जोशी ने बेहद विनम्र है, मिलनसार है, मृदुभाषी है और उनकी अपनी एक अलग राजनीति में एक पहचान है। यह वही सीपी जोशी है जिन्होंने संगठन में कई जो ऐसे प्रकरण थे वो सीधे तौर पर चंद्रशेखर, जो संगठन महामंत्री थे, उनको ट्रांसफर कर देते। कई मामलों को वो सीधे तौर पर अपने पदाधिकारियों को दे देते हैं, क्योंकि अभी इस्तीफा उनका मंजूर होगा तो पता चलेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये है कि सीपी जोशी ने अपना बड़प्पन दिखा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि एक इस तरीके से राजनीति में संभव भी नहीं होता, तो अब क्यों ना किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को मौका मिले या फिर किसी को भी आलाकमान मौका दे। तो ऐसे में जिन नामों को लेकर यहां पर चर्चा है उनको मैं फर्स्ट इंडिया स्क्रीन पर एक एक करके बता रहा हूं। श्वेता, उन नामों को सुनिएगा। नंबर 1 मदन राठौर, नंबर 2 प्रभुलाल सैनी और राजेंद्र गहलोत, नंबर 3 अलका गुर्जर, और दो नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, उनकी संभावना अभी कम है, लेकिन यदि आलाकमान ने चौंकाया तो वो दो नाम हो सकते हैं जिन नामों का मैं यहां पर टीवी स्क्रीन पर जिक्र कर रहा हूं। क्योंकि सतीश पूनिया जब हरियाणा चले गए हैं, बतौर चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया को व्यस्त कर दिया गया है, उनकी संगठनात्मक कुशलता का प्रयोग उपयोग में ली जा रही है, तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ बचते हैं और किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे चुके हैं, तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ीलाल मीणा पर भी संगठन एन वक्त पर विचार कर सकता है। यहां पर इस वक्त जो आवश्यकता है संगठन को, वो ऐसे तजुर्बे वाले लीडर की आवश्यकता है जो अपने तजुर्बे के बेस से संगठन को वापस से उसी स्थिति में लाकर रख, जिस स्थिति में अमूमन सत्ताओं के साथ संगठन बहुत मजबूत होता है, क्योंकि जब सत्ता आ जाती है तो संगठन के कार्यकर्ता थोड़े से इजी हो जाते हैं, उस लिहाज से काम नहीं कर पाते जो विपक्ष में पिछली बार कर रहे थे। तो ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष ऐसा लाना पड़ेगा
जो कि बहुत एनर्जेटिक हो, संगठन की दूर दराज के क्षेत्रों तक की भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हो। और अब इसका अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब दिल्ली गए थे कल और अमित शाह से मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात के दौरान भी इस पूरे प्रकरण को लेकर बातचीत कर ली गई है। अब इंतजार रहेगा कि मूल ओबीसी में से किसे लिया जाता है, क्योंकि दो इनमें राज्यसभा सदस्य है, और यदि किसी महिला को मौका दिया जाता है और ओबीसी से मौका दिया जाता है तो अलका गुर्जर का नाम यहाँ पर चर्चाओं में रह सकता है। मैंने पांच नामों का जिक्र किया है, इन पांच नामों के अलावा यदि कोई और आता है तो फिर वाकई में बीजेपी को समझ पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नामों पर जिन पर चर्चा हुई है, मैं वापस से बता दूं, मदन राठौर, प्रभुलाल सैनी, राजेंद्र गहलोत और उनके अलावा दो नाम, क्योंकि तीन नाम थे जिनमें से एक नाम को हरियाणा में एडजस्ट कर दिया गया है सतीश पूनिया को, बचे दो नाम जिनमें राजेंद्र राठौड़ लंबे समय से उनके पास अनुभव है, लगातार इसी विधानसभा में वो विधायक चुने गए, तो राजेंद्र राठौड़ और उन्हीं में से एक नाम किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा प्रकरण चल रहा है, तो हो सकता है एक बहुत छोटी सी संभावना है किरोड़ी लाल मीणा की भी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, इसका कोई ना कोई निराकरण पार्टी शायद निकाल लेगी इस पूरे प्रकरण को लेकर, ये अलग विषय है। लेकिन जो नाम चल रहे हैं उनमें मदन राठौड़ टॉप पर कहे जा सकते हैं, और मदन राठौड़ क्योंकि मदन राठौड़ वही मदन राठौड़ है जिन्हें जब टिकट नहीं मिला था, निर्दलीय ताल ठोकने चले थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन जाता है और मोदी की तरफ से कहा जाता है मदन अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। और उसके बाद जब मदन राठौड़ जालौर सिरोही क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मदन सब्र रखना, धैर्य रखना, बस इतने से शब्दों से मदन राठौड़ समझ जाते हैं और आखिरकार उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है। तो आलाकमान जो है वो एक एक व्यक्ति पर गौर करके चलता है। देखो ऐश्वर्या, आपने एक बात कही कि अगर इन पांच नाम के अलावा कोई और नाम आता है तो कह सकते हैं कि बीजेपी को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले भी हमने कई बार देखा है जो नाम रेस में होते हैं जिनकी संभावना ज्यादा रहती है और अचानक से कुछ और ही नाम, कोई अलग सा नाम आ जाता है चौंकाने वाला, क्या प्रदेशाध्यक्ष की रेस में भी संभव हो सकता है? क्योंकि जहां तक आम नेता आम जन सोचता है वहां से सोच बीजेपी आलाकमान की शुरू होती है, और इसलिए जब फाइनल परिणाम कुछ होता है तो वो कुछ और ही नजर आता है। तो क्या जो आपने नाम बताया संभावना है या फिर वाकई में इससे इतर कोई नाम आकर चौंकाए भी जा सकता है? देखिए श्वेता, बहुत सही सवाल पूछा है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सियासत को जरा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सियासत को समझेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में जो दिल्ली में प्रमुख पदों पर है उनमें राजपूत समाज से गजेंद्र सिंह शेखावत है जिनका कद बहुत बड़ा कद है और प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्त माने जाते हैं, एक समाज हो गया। वैश्य समाज से ओम बिड़ला आते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष है, एक समाज हो गया। फिर उसके बाद जो दलित समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, उनमें सबसे नाम है अर्जुन मेघवाल का, जिन्हें की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आधुनिक भारत का अंबेडकर भी कहकर कई बार संबोधित कर देते हैं। तो इन जातियों का इस तरीके से यहां पर बैलेंसिंग कर दी गई। वो ब्राह्मण के तौर पर मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा है, क्योंकि ये जाति है, इसकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है। मोटे तौर पर कहा जाता है कि जाट समाज के बाद ब्राह्मणों की आबादी है, हालांकि जातिगत जनगणना होने में अभी कई वर्षों हो गए, कब होगी अलग बात है। तो ऐसे में अब सीपी जोशी की जगह पर कौन बैठेगा, क्योंकि दो ब्राह्मण थे, अब दो में से एक ब्राह्मण जाएगा, उन्हें सीपी जोशी को जाना है, वो इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, सारी बात कह चुके हैं, तो फिर किसे लाया जाएगा? तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर मूल ओबीसी को लाए जाने की ज्यादा संभावना है। और बतौर यदि तजुर्बे को ध्यान दिया गया और यदि वाकई में इस चीज पर ध्यान दिया गया कि जो संगठन में इस वक्त बेहद आवश्यक लीडर है, जो भजनलाल शर्मा को भी मजबूत करके चले, तो फिर विचार किसी वरिष्ठ को लेकर होगा। लेकिन यहां पर मदन राठौड़ पर भी सर्वाधिक विचार किया गया है, प्रभुलाल सैनी को लेकर चर्चा की गई है, प्रभुलाल सैनी जो कभी वसुंधरा राजे के विश्वस्त थे लेकिन वसुंधरा कैंप से वो दूर हो गए थे, सीपी जोशी ने अपनी टीम में शामिल किया, सतीश पूनिया ने रखा, ओम बिड़ला से लगातार उनके बहुत अच्छे ताल्लुक आते, हालांकि चुनाव हार गए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राजेंद्र गहलोत का भी एक किस्सा मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीवी स्क्रीन पर बता देता हूँ कि उन्हीं की जाति के ओबीसी के एक युवा नेता थे, युवा नेता को मदन राजेंद्र गहलोत ने बुरी तरीके से फटकारा प्रदेश मुख्यालय में और कहा कि
तुम तय करोगे मेरे बारे में कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं या मैं अभी युवा हूं, क्योंकि उनके अध्यक्ष बनने को लेकर चर्चा थी तो एक युवा नेता ने उनके बारे में कह दिया कि ये तो बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र हो चुकी है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि तुम ये तय नहीं करोगे, मेरे बराबर दौड़ कर दिखा लीजिए या मेरे बराबर काम करके दिखा लीजिए। हाल ही की मुश्किल से 10-15 दिन पुरानी ये घटना है, ये बड़ा रोचक किस्सा है। उन्हीं के समाज के युवा नेता थे जिन्होंने उन्हें लेकर इस तरीके की टिप्पणी कर दी थी। तो ये बात साफ हो गई है कि उनका नाम भी रेस में है। तो अब इस रेस में जो शामिल है उन नेताओं के क्रमबद्ध रूप से हमने नाम बोल दिए। अलका गुर्जर डार्क हॉर्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अमित शाह किस नाम पर दाव खेलते हैं। इन सब चीजों के परे एक बात और है कि चंद्रशेखर संगठन महामंत्री का जयपुर में आना, और जयपुर में जो कि पूर्व में संगठन मंत्री रहे, महामंत्री रहे हैं, उसके बाद तेलंगाना चले गए, जयपुर में आना और जयपुर में आकर कई लोगों से मुलाकात करके चले जाना। हालांकि वो अपने निजी कार्य के लिए आए थे क्योंकि उनका यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन राजनीति में कई बार संभावनाओं पर ध्यान दिया जाता है। हो सकता है कि उन्हें आलाकमान ने यहाँ भेजा हो यहाँ के वर्तमान घटनाक्रम का पूरा फीडबैक देने के लिए, क्योंकि यहाँ को लेकर उन्हें गहरी जानकारी है। अरुण सिंह को राजस्थान की गहरी जानकारी है, अरुण सिंह से भी आलाकमान ने 100% फीडबैक लिया होगा। तो ऐसे में अब फैसला किस नाम को लेकर होना है ये देखा जाएगा। लेकिन मुझे राजेंद्र राठौड़ को लेकर लोग नाम चलाते हैं, लेकिन फिलहाल उनका भाग्य काम नहीं कर रहा है, मुझे थोड़ा सा उनके भाग्य पर संशय लगता है। इन सबके बीच किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा प्रकरण है, ये अभी योगेश शर्मा ने किरोड़ीलाल मीणा का भी नाम लिया था, तो मुझे वो संभावना बहुत नगण्य सी लगती है। राजनीति में सब कुछ संभव है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग किस तरीके से की जाएगी, क्या मूल ओबीसी से लाया जाएगा या फिर किसी राजपूत चेहरे को जाएगा, या फिर क्योंकि जाट समाज से यहां पर मंत्रिमंडल में जो शामिल किए गए हैं वो तो है ही, उनके अलावा जगदीप धनखड़, मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले दिल्ली में जिन नेताओं को मजबूत बनाया गया उनमें उपराष्ट्रपति जाट समाज से आते हैं। तो बैलेंसिंग देखिए भारतीय जनता पार्टी की, जाट समाज को बतौर उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष वैश्य समाज से, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत समाज से, वहां पर दिल्ली में ब्राह्मण कोई मंत्री नहीं है राजस्थान से, तो यहां पर मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बना दिया गया, तो बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है। तो यहां पर अगर इस चीज को डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर यही समझ में आएगा। जी जी ऐश्वर्य, बिल्कुल बहुत ही विस्तार से आपने बताया नामों को लेकर भी, लेकिन अब देखिए नाम क्या तय होगा इसके लिए इंतजार करना है, लेकिन इंतजार ये कब तक, क्या माना जा रहा है कि कब तक नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम डिक्लेयर हो जाएगा? आज 25 तारीख है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में ये था कि 23 तक होना था, लेकिन क्योंकि बजट की वजह से इसे बढ़ाया गया, तो अब क्या तारीख हो सकती है? देखिए बजट वाले दिन ही घोषणा होनी थी, उस दिन जो नाम था उसका भी मैं जिक्र कर देता हूं। हालांकि मेरी इस बात को यदि फर्स्ट इंडिया न्यूज टीवी स्क्रीन पर सुन रहे होंगे तो हो सकता है कि वो इस बात से इत्तेफाक रखे या न रखे या मना भी कर दें, लेकिन उस वक्त जिस नाम की चर्चा थी 23 तारीख को वो थी मदन राठौड़ की। मदन राठौड़ उस चीज को लेकर खामोश थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक बड़े नेता ने, उन्हीं के क्षेत्र के आने वाले बड़े नेता ने शायद कोई वीटो लगाया और उस वीटो के चलते मदन राठौड़ फिलहाल रुक से गए हैं। अब इंतजार रहेगा कि किस नाम को लेकर सहमति यहां पर बनती है और यहां पर भजनलाल शर्मा किसका नाम सुझा कर आए हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा की कल अमित शाह से जो मुलाकात हुई थी, और अमित शाह से मुलाकात के अलावा वैसे दिल्ली के कई प्रमुख नेताओं से वो मिले थे, प्रहलाद जोशी से भजनलाल शर्मा का मिलना भी यूं ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राजकाज की बातें हों, वहां पर भी संगठनात्मक बातें होना लाजिमी था। तो हो सकता है भजनलाल शर्मा ने भी कुछ 2-4 नामों में से अपना कोई नाम सुझाया हो, लेकिन राजनीति का सिद्धांत कहता है कि सत्ता और संगठन दोनों को बैलेंस करना जरूरी है, लेकिन बैलेंस इस तरीके से होना चाहिए कि सत्ता और संगठन को संभालने वाले दोनों चेहरे सिर्फ आलाकमान के विश्वसनीय हो, एक दूसरे के विश्वसनीय ज्यादा ना हो, क्योंकि यदि एक दूसरे के ज्यादा विश्वसनीय होते हैं तो आलाकमान को रिपोर्ट सही नहीं मिलती, ऐसा राजनीतिक तौर पर सियासी गलियारों में कहा जाता है। अंग्रेजों के जमाने से एक परंपरा होती है, सामान्य तौर पर यह परंपरा कही जाती है कि बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, कि अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों के बीच में तारतम्य बना रहे, लेकिन आलाकमान के दोनों ही विश्वस्त रहे और दोनों जो रिपोर्ट पेश करें सच बोले, ऐसा नहीं एक को बचाने की दूसरा कोशिश करे और दूसरे को बचाने की एक कोशिश करे, दोनों अपनी रिपोर्ट जो वाकई में, जब ऐसे में कौन सा चेहरा होगा ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल ऐश्वर्य, और इसलिए इंतजार है कि आखिर वो कौन सा नाम होता है, वो नाम जिसे आश्वस्त खुद पीएम ने किया था बड़ी जिम्मेदारी को लेकर, और राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है। और इसलिए मदन राठौड़ का नाम बहुत तेजी से सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन देखना होगा कि नाम किस पर मुहर लगती है, क्योंकि 4 से 5 नामों का आपने जिक्र किया, क्या वाकई में यही इन्हीं नामों में से किसी एक पर मुहर लगती है या फिर कोई और इसके लिए इंतजार कुछ दिन और करना भी पड़ सकता है। चलिए बहुत